वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन करी। तो चलिए मैं आपके साथ भी अपनी चिकन करी की रेसिपी शेयर करती हूँ। हमारे यूपी में देसी स्टाइल की चिकन करी बनती है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यूपी में कैसी चिकन करी बनती है, या तो आप इसे ग्रेवी चिकन करी भी बोल सकते हैं और यूपी स्टाइल बोल सकते हैं या देसी स्टाइल बोल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं चिकन करी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अभी मैंने चिकन को अच्छे से साफ़ करके यहाँ दही में रख दिया है। आधे घंटे बाद इसको अच्छे से पानी से साफ़ कर दीजिएगा। और आधा घंटा हो चुका है तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा अब हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे अच्छे से। तक हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ली है लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा जैसे आपको रखनी हो। 4 चम्मच धनिया ऐड किया है मैंने इसमें। और 1 छोटी चम्मच हल्दी ऐड की है। और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कीजिएगा इसमें ऐड। और यहाँ मैंने प्याज पहले से ही पीस कर रख ली थी, और एक तरफ मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखा है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रेश बनाया है। और हम मैंने यहाँ पर अपना चिकन भी अच्छे से साफ कर ली। भी हमारा गरम हो गया है तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं और चिकन को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अब चिकन हमारा धीरे धीरे फ्राई भी होने लग गया है, और अभी चिकन अच्छे से फ्राई हो गया तो हम इसको एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लेंगे। चिकन कितना अच्छे से फ्राई हो गया है ना, ये 50% तक कुक हो चुका है फ्राई करते टाइम ही। हमने जो प्याज का पेस्ट बनाकर रखा था उसको तेल में ऐड करेंगे, थोड़ी देर तक उसको भूनेंगे जब तक कि वो हल्का सा ब्राउनिश हो जाए। थोड़ी देर बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करें। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है आप फ्रेश ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि ना वो उसमें जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश बनाते हैं ना तो उसमें अच्छी खुशबू आती है एकदम नेचुरल, क्योंकि वो क्या होता है ना पैकेट वाला इतना अच्छा नहीं खुशबू देता। प्याज और लहसुन भुन गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाले हमने ऐड किए थे, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ। और अब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है।
हमने जो चिकन फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। आपको ग्रेवी वाला रखना हो तो उस अकॉर्डिंग पानी ऐड कीजिएगा, और अगर थोड़ा सूखा रखना हो तो उस अकॉर्डिंग। ये 50% तक कुक है तो आपको ज़्यादा कुक नहीं करना, तो उसी अकॉर्डिंग पानी ऐड कीजिएगा। मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ थोड़ा, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। साथ ही में हम डालेंगे इसमें साबित मसाले। साबित मसाले मैं ऊपर से डाल रही हूँ क्योंकि मसाले वाली सब्ज़ी में अगर साबित मसाले हम ऊपर से डालते हैं तो उसकी ज़्यादा खुशबू आती है, रादर देन हम उसको भून दें। अगर भूनेंगे तो उस वो तेल में मिक्स हो जाती है खुशबू, तो ज़्यादा अच्छे से नहीं आती। इसलिए अगर हम ग्रेवी में डालेंगे और वो बॉयल होगी तो उसमें अच्छे से खुशबू आएगी। इसे ढक्कन से ढक देंगे, बंद नहीं करेंगे कुकर क्योंकि हम खुला बनाएंगे, खुले बनाने में ज़्यादा अच्छा बनता है, तो आप इसको खुला ही बनाइएगा। वैसे भी चिकन जल्दी पक जाता है तो उसको कुकर का ढक्कन लगा के बनाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ऑलमोस्ट हमारा चिकन बनकर तैयार हो चुका है। बस अब हमें इसमें ऐड करना है गरम मसाला। अब यहाँ मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। बताइएगा आपको कैसी लगी मेरे स्टाइल की चिकन करी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं शेयर कर सकूं। और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे उसके लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून गाइस।